Hello everyone, welcome on Krishi Valley YouTube channel. In this video, I will discuss the cultivation of apple. Apple, which is very important horticulture fruit crop of India. This is temperate season fruit crop and this is very important crop in India as well as in the whole world. So in this particular video, we will discuss the cultivation of apple. But before starting the video, if you are new to my channel, then please subscribe it and press the bell icon. And also like and share the video too. So let's get start the video. First we see what are the other common names of apple. So apple ko hum king of temperate fruit bolte hain. That is ye temperate climate ka crop hai aur temperate fruits mein aata hai. Aur isi ko hum king of temperate fruits kehte hain. Next is symbol of health. As you have heard that so many times you have heard that an apple a day keeps the doctor away. तो इसका मतलब होता है कि apple बहुत ही healthy होता है, इसे खाने से हमारी जो health होती है वो अच्छी रहती है, इसलिए इसको symbol of health कहा जाता है. And the last one is primal fruit of the world. तो ये जो थे apple के कुछ other common names होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा important है king of temperate fruits. इसके बाद देखते हैं एप्पल के जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है. एप्पल साइंटिफिक नेम इज मैलुस डोमेस्टिका एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली रोजेसी. ठीक है, और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो एप्पल जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, 2n = 2x = 34. तो एप्पल का जो क्रोमोसोम है वो 34 होता है, जनरली डिप्लॉइड होता है. बट कुछ केस में क्या होता है कि ट्रिप्लॉयड एप्पल भी पाए जाते हैं. ट्रिप्लॉयड एप्पल जो होते हैं वो सेल्फ अनफ्रूटफुल होते हैं, उनमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्रेजेंट होती है, जबकि जो डिप्लॉयड एप्पल्स होते हैं दे आर सेल्फ फ्रूटफुल. इसके बाद का ओरिजिन होता है साउथ वेस्ट एशिया में. तो एप्पल साउथ वेस्ट एशिया में ओरिजिनेट हुआ है और इसका साइंटिफिक नेम मैलुस डोमेस्टिका. दिस इज इम्पॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट इट्स एनसेस्टर, एनसेस्टर ऑफ कल्टिवेटेड एप्पल. अब जो हम एप्पल कल्टिवेट कर रहे हैं वो है मैलुस डोमेस्टिका, लेकिन ये मैलुस डोमेस्टिका आया कहाँ से, इसका कोई एंसेस्टर था. इसका एंसेस्टर का नाम है मैलुस सिल्वेस्ट्रिस, जिसको हम क्रैब एप्पल कहते हैं. तो क्रैब एप्पल जो है इसका एंसेस्टर है, साइंटिफिक नेम है मैलुस सिल्वेस्ट्रिस. नेक्स्ट थिंग इज इन इंडिया एप्पल वॉज इंट्रोड्यूस बाय कैप्टन ली इन 1865 इन कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो इंडिया में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश नंबर वन स्टेट है जहाँ पर एप्पल प्रोड्यूस होते हैं. तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू वैली है, तो वहाँ पे एप्पल का सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ था. वहाँ पे सबसे पहला पहली बार फर्स्ट टाइम एप्पल इंट्रोड्यूस करा था कैप्टन ली ने 1865 में. बहुत पुराने टाइम की बात है. उसके बाद क्या है कि इन इंडिया एप्पल इज ग्रोन ऑन कमर्शियल स्केल इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. तो ये तीन जो हैं हिली स्टेट्स हैं नॉर्थ इंडिया के, तो यहाँ पर एप्पल का जो है कॉमर्शियल स्केल में बहुत अच्छी तरह से प्रोड्यूस होता है. इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली बार एप्पल का इंट्रोडक्शन हुआ था 1865 में कुल्लू वैली में, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एप्पल बाउल ऑफ इंडिया. तो हिमाचल प्रदेश इज नोन एज एप्पल बाउल ऑफ इंडिया. द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड ऑन लिमिटेड स्केल्स इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. इसके अलावा पहले तो हमने ये बात करी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. तो ये तीन बहुत ही फेमस नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं जहाँ एप्पल का प्रोडक्शन होता है. इसके अलावा इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आते हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, ये सब स्टेट्स में भी एप्पल का कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है, कल्टिवेट होता है. इसके अलावा साउथ में अगर बात करें तो साउथ में तमिलनाडु की जो नीलगिरी हिल्स होती हैं वहाँ पर एप्पल का कॉमर्शली एप्पल वहाँ पर भी ग्रो होता है. द नेक्स्ट थिंग इज चाइना वॉज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल वर्ल्ड वाइड एंड यूरोप यूरोपियन यूनियन कम्स इन सेकेंड प्लेस. तो वर्ल्ड में अगर बात करें तो चाइना फर्स्ट है एप्पल में. इसके अलावा चाइना जो है ऑल ओवर फ्रूट प्रोडक्शन में, अगर हम ऑल ओवर सिंपल फ्रूट्स की बात करें तो सिंपल फ्रूट्स के ऑल ओवर प्रोडक्शन में भी चाइना फर्स्ट है. इसके अलावा एप्पल में भी चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाई यूरोपियन यूनियन. इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया है हिमाचल प्रदेश में. हिमाचल प्रदेश जिसको हम एप्पल बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा एप्पल प्रोड्यूस होते हैं और सबसे ज़्यादा एप्पल का एरिया हिमाचल प्रदेश में, फॉलोड बाय जम्मू कश्मीर. लेकिन प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में जम्मू कश्मीर फर्स्ट है और हिमाचल प्रदेश सेकंड है, बोथ इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. बट एरिया वाइज हिमाचल प्रदेश इज ऑन टॉप, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एप्पल बाउल ऑफ इंडिया. द नेक्स्ट थिंग इज
एप्पल के बारे में कुछ कॉमन पॉइंट्स क्या होते हैं। एप्पल एक टेम्परेट फ्रूट क्रॉप है, इसके अलावा ये एक डेसीडियस फ्रूट क्रॉप है। डेसीडियस मीन्स कि विंटर सीजन में इसकी जो लीव्स होती हैं वो फॉल हो जाती हैं। एप्पल की जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इट हैज़ लॉन्गेस्ट शेल्फ लाइफ अमंग फ्रूट्स। तो जितने भी हमने फ्रूट्स पढ़े हैं उन सारे फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा लॉन्ग शेल्फ लाइफ एप्पल की होती है। स्टोन सेल्स एबसेंट इन द फ्लैश, एप्पल का जो फ्लैश होता है, जो फ्लैशी पोर्शन हम खाते हैं उसमें स्टोन सेल्स एबसेंट होते हैं। इसमें जो मेजर शुगर पाई जाती है वो है सॉर्बिटॉल। दैन इनफ्लोरेसेंस जो होती है इसकी साइम होती है, इसमें क्या होता है कि 4 to 6 फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसमें से एक फ्लावर जो होता है सेंट्रल फ्लावर, जिसको हम बोलते हैं किंग ब्लूम। सो हेयर यू कैन सी द इनफ्लोरेसेंस, में जो फूल आते हैं, जो सेंट्रल सेंटर वाला फूल होता है ना, जो सेंटर वाला फूल होता है दैट इज़ कॉल्ड किंग ब्लूम, उसको किंग ब्लूम बोलते हैं। एंड हैज़ अ पोटेंशियल टू प्रोड्यूस लार्ज फ्रूट देन अदर फ्लावर्स। तो जो सेंटर वाला फूल होता है इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये अच्छा फ्रूट प्रोड्यूस कर सकता है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे फ्लावर्स उसमें होते हैं। तो सेंटर फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको किंग ब्लूम कहा जाता है। इसके बाद जो एप्पल फ्रूट है उसका कैसा टाइप होता है, इट इज़ अ पोम फ्रूट, यानी ये एक तरह का फॉल्स फ्रूट होता है। एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है, इसमें जो एडिबल पोर्शन होता है वो पोम होता है, आई मीन जो फ्रूट है इसका पोम होता है, फ्रूट टाइप पोम होता है। एडिबल पोर्शन जो होता है इसका फ्लैशी थैलेमस होता है। तो उसका फ्लैशी थैलेमस जो होता है वो ये वाला जो पार्ट है थैलेमस, ये हम खाते हैं। फ्लैशी थैलेमस जो हम खाते हैं दैट इज एडिबल पोर्शन ऑफ द एप्पल। द नेक्स्ट थिंग इज रोल ऑफ जीन्स। एप्पल में जो इम्पॉर्टेंट जीन्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जीन्स क्या होते हैं, जीन्स बेसिकली हमारी जीन्स होते हैं हमारे कुछ पर्टिकुलर ट्रेट्स को या कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, गवर्न करते हैं। तो ऐसी एप्पल में भी बहुत इंपॉर्टेंट जीन्स हैं जो कुछ ना कुछ रोल प्ले करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फ्रूट कलर। तो एप्पल का जो फ्रूट कलर होता है उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, 3 इंडिपेंडेंट जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रूट कलर। तो अगर हम एप्पल के फ्रूट कलर की बात करें, हमने बाहर से देखा कि रेड कलर का होता है, बट कुछ एप्पल होते हैं जिसमें येलो भी प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर भी प्रेजेंट होता है। तो ये फ्रूट कलर जो होता है ये 3 इंडिपेंडेंट जीन होते हैं ABC, इनकी वजह से गवर्न होता है। सेकेंड चीज़ होती है इसका अंदर का फ्लैशी पार्ट जो थैलेमस होता है वो येलो कलर का होता है, क्रीमी येलो फ्लैश कलर। इसका जो अंदर का क्रीमी येलो फ्लैश कलर होता है वो एक सिंगल डोमिनेंट जीन से गवर्न होता है, दैट इज अबाउट द जीन। नाउ वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ द एप्पल। तो इसमें इंपॉर्टेंट स्पीशीज में पहली स्पीशीज है सक्कर फ्री स्पीशीज। तो एप्पल की ऐसी कौन सी स्पीशीज है जो सक्कर फ्री, इसमें सक्कर्स प्रोड्यूस नहीं होते, बिल्कुल सक्कर से फ्री है, वो है मैलस सिवर्सी। एंड द नेक्स्ट वन इज एपोमिक्सिस स्पीशीज। सो एपोमिक्सिस पता है यू नो ऑल, एपोमिक्सिस क्या होते हैं, ऐसी बहुत सारे फ्रूट क्रॉप्स होते हैं जिसमें एपोमिक्सिस पाई जाती है। तो एप्पल में भी एपोमिक्सिस होती है, और एप्पल की जो एपोमिक्सिस वाली स्पीशीज है वो है मैलस साइबाल्डी, ठीक है। सक्कर फ्री में आता है सिवर्सी, एपोमिक्सिस में आता है साइबाल्डी। द थर्ड वन इज द रेजिस्टेंस टू वूली एफिड। तो वूली एफिड एक इंसेक्ट है, ठीक है, ये एप्पल में लगता है, ये बहुत ही मेजर पेस्ट है एप्पल का। तो उसके लिए एक रेजिस्टेंट स्पीशीज जो है वो है मैलस हुपेंसिस। ओके, मैलस हुपेंसिस इज रेजिस्टेंट टू वूली एफिड। द नेक्स्ट वन इज इंडिजीनियस टू हिमालया। तो अब एप्पल कैसा क्रॉप है, टेम्परेट एरिया का क्रॉप है, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, टेम्परेट रीजन वहाँ का क्रॉप है। तो इसलिए कुछ इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं जो कि हिमालय की हैं, दो स्पीशीज़ हैं। फर्स्ट वन इज मैलस बकाटा वराइटी हिमालेशिया, एंड सेकेंड वन इज मैलस सिकमेंसिस। सो दीज टू स्पीशीज़ आर इंडिजिनस टू हिमालय। द नेक्स्ट इज फिफ्थ वन इज रेजिस्टेंस टू स्कैब। अब ये स्कैब क्या है, ये स्कैब एक तरह की डिसीज़ होती है जो कि एप्पल में होती है। इस डिसीज़ के लिए जो रेजिस्टेंट स्पीशीज़ हैं वो दो हैं, फर्स्ट वन इज मैलस फ्लोरिबंडा एंड नेक्स्ट इज मैलस एट्रोसैंग्विनिया। तो मैलस फ्लोरिबंडा और मैलस एट्रोसैंग्विनिया में स्कैब के लिए रेजिस्टेंट है। और जो लास्ट सिक्स स्पीशीज़ जो हमें पढ़नी है वो है रेजिस्टेंस टू पाउडरी मिल्ड्यू एंड कॉडलिंग मॉथ। पाउडरी मिल्ड्यू एक डिसीज़ होती है, कॉडलिंग मॉथ इंसेक्ट है। तो पाउडरी मिल्ड्यू और कॉडलिंग मॉथ का रेजिस्टेंट वाली स्पीशीज़ है मैलस जूमी। तो बहुत छोटा सा नाम है इसका, मैलस जूमी।
तो ये जो लास्ट की दो स्पीशीज हमने डिस्कस करेंगे, फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी रेजिस्टेंस टू स्कैब और रेजिस्टेंस टू पाउडर मिल्ड्यू एंड कॉडलिंग मॉथ, इसमें जो दो स्पीशीज हमने डिस्कस करेंगे, ये दोनों में जो करेक्टर्स होते हैं, दिस इज गवर्न बाय अ सिंगल डोमिनेंट जीन। मतलब एप्पल में जो स्कैब रेजिस्टेंस होता है, अब यहाँ पे समझते हैं स्कैब रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है एप्पल में, उसको जो गवर्न करता है जीन, दैट इज अ सिंगल डोमिनेंट जीन। इसके अलावा रेजिस्टेंस टू पाउडर मिल्ड्यू एंड कॉडलिंग मॉथ, एप्पल में एक एबिलिटी होती है कि वो पाउडर मिल्ड्यू को रेजिस्ट कर सके, कॉडलिंग मॉथ को रेजिस्ट कर सके, तो ये भी जो करेक्टर होते हैं, दिस इज ऑल्सो गवर्न बाय अ सिंगल डोमिनेंट जीन। सो अगर हम जीन्स की बात करते हैं, तो जीन में फ्रूट कलर कौन गवर्न करते हैं, तीन इंपॉर्टेंट यहाँ पे जीन है, ए बी सी। क्रीमी येलो फ्लैश जो होता है वो सिंगल डोमिनेंट जीन से गवर्न होता है, और जो स्कैप वाली प्रॉब्लम और पाउडर मिल्ड्यू कॉडलिंग मॉथ वाली जो रेजिस्टेंस होता है, वो एक सिंगल डोमिनेंट जीन से गवर्न होता है। यानी एप्पल में जो सिंगल डोमिनेंट जीन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंगल डोमिनेंट जीन जो होता है डिसीजेस को भी रेगुलेट करता है, और सिंगल डोमिनेंट जीन की वजह से जो अंदर का क्रीमी फ्लैश होता है वो भी डोमिनेंट, आई मीन वो भी गवर्न होता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ थी हमने सब देख ली हैं, इसमें इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ में ये दो स्पीशीज़ हैं, और जो हिमालयन स्पीशीज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो रेजिस्टेंट है वूली एफिड्स के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्लाइमेट, एप्पल कैसा क्लाइमेट चाहिए। एप्पल एक टेम्परेट फ्रूट है, दैट इज़ वाई इसको हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट। तो टेम्परेट फ्रूट्स का किंग है, तो इसकी इसका क्लाइमेट पता चल गया टेम्परेट है। इसके बाद यहाँ पे क्योंकि टेम्परेट फ्रूट्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चिलिंग रिक्वायरमेंट। चिलिंग रिक्वायरमेंट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बर्ड्स डेवलपमेंट के लिए, जो बर्डिंग बर्ड डेवलप्स होती हैं उसके लिए चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है। एंड मोस्ट ऑफ द एप्पल वराइटीज रिक्वायर 1000 to 1600 चिलिंग आवर्स, सम लो चिल वराइटीज रिक्वायर 500 to 800 चिलिंग आवर्स। तो जो हाई चिलिंग रिक्वायरमेंट वराइटी होती है उनके चिलिंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, 1000 से 1600 घंटे, और जो लो चिलिंग वराइटीज़ होती हैं उनका कुछ 500-800 घंटे तक का चिलिंग रिक्वायरमेंट होता है। द एवरेज समर टेम्परेचर शुड बी अराउंड 21 to 24 degrees centigrade ड्यूरिंग एक्टिव ग्रोथ पीरियड। तो जब एक्टिव ग्रोथ पीरियड होता है एप्पल में, उस टाइम पे समर का टेम्परेचर 21 से 24 अराउंड होना चाहिए। लो टेम्परेचर अगर चला जाता है बिलो 15 degrees centigrade, अगर 15 से कम टेम्परेचर हो जाता है, यानी बहुत ठंडा हो जाएगा, प्लस रेन और क्लाउडी वेदर बना रहेगा, तो ड्यूरिंग ब्लूम, तो जब ब्लूमिंग टाइम हो रहा होता है एप्पल में, ठीक है, जब कली खिलती है, ब्लूमिंग होती है, फ्लावरिंग आती है, उस टाइम पे अगर ऐसा क्लाइमेट रहेगा तो क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट द बी एक्टिविटी। तो बेसिकली जो एप्पल होते हैं वे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन होता है हनी बी से। तो अगर ऐसा वेदर बना रहा, ठंडा मौसम रहा, बादल रहेंगे, बारिश रहेगी, तो बी हनी बी अपना काम नहीं कर पाएगी, तो हनी बी की एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, विच इज़ कम्प्लीटली इनहिबिटेड बिलो 50 degrees centigrade एंड एडवर्सली अफेक्ट द फ्रूट सेट। तो इसकी वजह से फ्रूट सेट में प्रॉब्लम हो सकती है। और जो क्लाइमेट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या रहना चाहिए पॉलिनेशन के लिए, पॉलिन की जर्मिनेशन के लिए, और फ्रूट की सेटिंग के लिए। तो उन तीनों चीज़ों के लिए, पॉलिनेशन, पॉलिन जर्मिनेशन और फ्रूट सेट तक का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए वो 18 से 22 degrees centigrade होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड द नेक्स्ट इज द एरिया विद फ्रॉस्ट फ्री स्प्रिंग एंड एडिक्वेट सनशाइन ड्यूरिंग समर विदाउट वाइड फ्लक्चुएशन टेम्परेचर मोस्ट सुटेबल फॉर एप्पल ग्रोइंग। तो टेम्परेचर में स्प्रिंग एकदम फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए, स्प्रिंग जो होता है फरवरी मार्च का टाइम होना चाहिए, तो जनरली फरवरी मार्च में कोई फ्रॉस्ट लगता नहीं है, ठीक है, फ्रॉस्ट फ्री कंडीशन होती है, और समर के टाइम पे अच्छी प्रॉपर सनलाइट आनी चाहिए। तो इस तरह का जो क्लाइमेट होता है वो भी एप्पल ग्रोइंग पार्ट्स के लिए अच्छा होता है। द नेक्स्ट इज द वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, 100 to 125 centimeter थ्रू आउट द सीजन इज कंसिडर्ड मोस्ट फेवरेबल। तो इसका रेनफॉल का अमाउंट इतना होना चाहिए। द लॉन्ग ड्राउट स्पेल्स ड्यूरिंग द फ्रूट डेवलपमेंट एंड एक्सेसिव रेनफॉल एंड फॉगी कंडीशन एट मेच्योरिटी हैम्पर्स द फ्रूट साइज एंड क्वालिटी। तो अगर फ्रूट की मेच्योरिटी का टाइम आ रहा होता है, यानी एप्पल के पेड़ में फल लग गया है, वो मेच्योर होना शुरू हो रहा है, अगर उस दौरान बहुत लंबे टाइम तक ड्राई स्पेल्स बना रहा या फिर बहुत एक्सेस रेनफॉल हो गई, ये दोनों कंडीशन, ड्राई स्पेल्स और एक्सेसिव रेनफॉल या फॉगी कंडीशन बनी रही, तो उसकी वजह से मेच्योरिटी जो होगी फ्रूट्स की, उसका फ्रूट की साइज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती है, फ्रूट की क्वालिटी हैम्पर हो सकती है। तो ये यहाँ पे क्लाइमेट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सॉइल। सो जनरली जो एप्पल हम ग्रो करते हैं उसके लिए जो बेस्ट सॉइल होती है वो लोमी सॉइल होती है,
इसके अलावा जो कि ऑर्गेनिक सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में रिच हो, इसके अलावा जो सॉइल पीएच होता है वो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल का जो पीएच है वो 6 पॉइंट, ये दिस इज 6.0 to 6.5 विद गुड ड्रेनेज एंड एरिएशन आर कंसिडर मोर सुटेबल। तो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स के लिए जो पीएच होता है वो न्यूट्रल के पास होता है, बट एप्पल कल्टिवेशन के जो पीएच है वो एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक है, 6 to 6.5। द सॉइल शुड बी डी फर्टाइल एंड फ्री फ्रॉम हार्ड सब्सटेंसेस सबस्ट्रेट्स एंड वाटर लॉक कंडीशन। तो सॉइल में इस तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, सॉइल एकदम लूबी होनी चाहिए, डी फर्टाइल होनी चाहिए और फ्री होनी चाहिए वाटर लॉक से, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। और सॉइल का पीएच तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 to 6.5। इसके बाद आती है वैरायटीज़ की बारी। तो वैरायटीज़ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं वो है स्पर टाइप कलर्ड स्पॉट्स। तो जो स्पर टाइप वैरायटीज़ होती हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आती है रेड शेफ, ऑरिगॉन स्पर 2, सिल्वर स्पर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वैल स्पर। तो स्पर टाइप की जो वैरायटीज़ है ना स्पर आता है ज़्यादातर, एक रेड शेफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा है रेड स्पर डिलीशियस, गोल्डन स्पर डिलीशियस, सुपर शेफ है, ठीक है, एक हो गई रेड शेफ, एक है सुपर शेफ, इसके अलावा है स्टार क्रिम्सन। तो ये सारी वैरायटीज़ जो हैं स्पर टाइप कलर स्पॉट वाली वैरायटीज़ हैं। स्टैंडर्ड कलर म्यूटेंट्स नेक्स्ट है हमारा, स्टैंडर्ड कलर म्यूटेंट्स। तो यानी यहाँ पे जो वैरायटीज़ हैं वो स्टैंडर्ड हैं और उनमें म्यूटेशन होता है, म्यूटेंट वैरायटीज़ हैं। इसमें आता है वैंस डिलीशियस, रॉयल रेड, टॉप रेड, स्काईलाइन सुप्रीम, हर्डीमैन, ब्राइट एंड अर्ली। These are some standard color mutant varieties of apple. ठीक है, एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज द वराइटीज़ इंट्रोड्यूस फ्रॉम USA. तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से कुछ एप्पल की वराइटीज़ इंट्रोड्यूस हुई हैं। इसमें दो वराइटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों में डिलीशियस आता है, एक है स्टार किंग डिलीशियस, एक है रेड डिलीशियस। सो इफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चन आस्क फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वराइटीज हैज इंट्रोड्यूस फ्रॉम USA. एप्पल की कौन सी वराइटी जो USA से इंट्रोड्यूस हुई है, वो दो वराइटीज़ हैं, स्टार्किंग डिलीशियस एंड रेड डिलीशियस। एंड दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लो चिलिंग वराइटीज़ कौन सी, अभी हमने डिस्कस करा था क्लाइमेट में कि एप्पल की जो वराइटीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, हाई चिलिंग वराइटीज़ और लो चिलिंग वराइटीज़। लो चिलिंग वराइटीज़ के लिए जो चिलिंग रिक्वायरमेंट होता है वो 500 to 800 hours का होता है, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट वराइटीज़ आती हैं वो है माइकल, स्कॉलमेट, आना, वरेड, तम्मा, ट्रॉपिकल ब्यूटी, पर्लेंस ब्यूटी। सो दीज आर सम लो चिलिंग रिक्वायरमेंट वराइटीज़, इनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट लो होती है 500 to 800 hours। एंड द नेक्स्ट वराइटीज़ आर पॉलिनाइजिंग वराइटीज़। तो जो एप्पल होता है ना उसमें दो तरह के एप्पल्स होते हैं, एक होता है डिप्लॉयड, एक होता है ट्रिप्लॉयड। जो डिप्लॉयड होते हैं वो तो सेल्फ फ्रूटफुल होते हैं, ठीक है, लेकिन जो ट्रिप्लॉयड होते हैं दे आर सेल्फ अनफ्रूटफुल, क्योंकि इनमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, और ट्रिप्लॉयड वैराइटीज़ को पॉलन स्टेराइल भी बोला जाता है। और जनरली जो डिलीशियस ग्रुप की वैराइटीज़ होती हैं, डिलीशियस ग्रुप्स की, तो वो एप्पल्स जो होते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबल होते हैं, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और बाकी कुछ वैराइटी जो इंग्लिश ग्रुप की वैराइटीज़ होती हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड होती हैं एंड दे एक्ट एज अ पॉलिनाइजर फॉर द डिलीशियस ग्रुप। तो डिलीशियस ग्रुप्स जो होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और उनका जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो दूसरी वैराइटीज़ के थ्रू होता है जिनको हम पॉलिनाइजर बोलते हैं। तो पॉलिनाइजिंग वैराइटीज़ में कौन कौन आता है, इसमें आता है गोल्डन डिलीशियस, रेड गोल्ड, समर क्वीन, गोल्डन स्पर, ग्रैनी स्मिथ, ग्रैनी स्मिथ बहुत इंपॉर्टेंट है, विंटर बनाना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कन्फ्यूजिंग वैराइटी। मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव हर्ड विंटर बनाना, तो विंटर बनाना में बनाना आता है, एंड वी ऑल नो कि बनाना एक खुद एक फ्रूट क्रॉप है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स माइट कन्फ्यूज दैट विंटर बनाना इज़ अ वैराइटी फॉर बनाना, ठीक है, बट नो, विंटर बनाना कोई बनाना की वैराइटी है, विंटर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट वैराइटी है एप्पल की, और ये इंपॉर्टेंट वैराइटी है, यू मार्क वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के साथ साथ कन्फ्यूजिंग भी है, क्योंकि विंटर बनाना मीन्स बनाना यू केला, तो वहाँ पे कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वैराइटी ऑफ एप्पल। विंटर बनाना एप्पल की पॉलिनाइजिंग वैराइटीज़ में आती है। इसके बाद है मैकिंटॉश, स्कारलेट, गाला। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ द स्क्रैब रेजिस्टेंट वैराइटी। सो स्कैब एक डिसीज़ होती है, अभी हमने स्पीशीज़ पढ़ी थी स्कैब रेजिस्टेंट की, तो स्कैब बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है एप्पल की, और उसके लिए जो रेजिस्टेंट वैराइटीज़ हैं वो हैं हमारे पास, द फर्स्ट वन इज़
प्राइमा। तो प्राइमा जो है, यू मार्क प्राइमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइमा जो है फर्स्ट स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटी एप्पल की। सबसे पहली अगर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ एप्पल इज़ द स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटी, तो सबसे पहली वैरायटी है प्राइमा। इसके बाद है प्रिसिला, सरप्राइज, फ्लोरिना, शिरिन, मैकफ्री, कोप 12, कोप 13, लिबर्टी। लिबर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सबसे पहली वैरायटी है प्राइमा। इसके बाद लिबर्टी है, फ्रीडम है, हनी क्रिस्प। हनी क्रिस्प भी बहुत अच्छी वैरायटी है, ये बेसिकली फेमस है बहुत फॉर देयर फ्लेवर। एम्पायर, जोना गोल्ड। सो दीज आर सम स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटीज़, और यहाँ पे सबसे पहली स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटी है प्राइमा। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस सम हाइब्रिड वैरायटीज़। हाइब्रिड वैरायटीज़ क्या होती हैं, जो कि क्रॉस, दो वैरायटीज़ के क्रॉस से डेवलप होती हैं, दे आर कॉल्ड हाइब्रिड वैरायटीज़। तो यहाँ पे द फर्स्ट वन इज लाल अंबरी। अब लाल अंबरी है, लाल अंबरी डराइव्ड हुआ है इसके जो पेरेंट्स इन द रेड डिलीशियस क्रॉस विद अंबरी। अंबरी जो कि बहुत ही फेमस वैरायटी है ये, और ये इंडिजीनस वैरायटी है, स्पेशली जो कश्मीर स्टेट है, जो कि एप्पल का इंडिया में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया हिमाचल प्रदेश में है, बट प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी जम्मू कश्मीर है। तो अंबरी जो है वो इंडिजिनस वैरायटी है कश्मीर की, और इसकी शेल्फ लाइफ बहुत लॉन्गेस्ट है। तो जब रेड डिलीशियस अंबरी का क्रॉस बनता है, दैट बिकम लाल अंबरी। लाल से याद रखना है, रेड डिलीशियस अंबरी तो खुद ही एक वैरायटी है, लाल अंबरी। उसके बाद नेक्स्ट आती है सुनहरी। सुनहरी में अंबरी और गोल्डन डिलीशियस का क्रॉस है। सुनहरी क्या होता है, गोल्डन कलर। जब भी हम गोल्डन को हिंदी में बोलते हैं सुनहरी, तो सुनहरा कलर से गोल्डन याद रखना है। और जो नेक्स्ट वैरायटीज़ हैं, ये अगेन ये भी हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं, सबसे पहला है चौबतिया प्रिंसेस एंड चौबतिया अनुपम। तो ये वाली जो वैरायटीज़ हैं, इन दोनों, ये दो अलग वैरायटीज़ हैं, पर इनका जो क्रॉस है वो सेम है। यहाँ पे हमने क्या करा है, रेड डिलीशियस को क्रॉस करा है अर्ली शैनबरी से। तो ये दोनों जो वैरायटीज़ हैं, चौबतिया प्रिंसेस और चौबतिया अनुपम, ये दोनों का क्रॉस सेम है, और ये दोनों ही वैरायटी हैं अर्ली राइपनिंग वैरायटीज़ में आती हैं। नेक्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है अम्ब्रेड। अम्ब्रेड में अगेन अम्ब यूज़ हो रहा है, तो अम्बरी होगी यहाँ पे, और रेड डिलीशियस है। यहाँ पे भी अम्बरी की डिफरेंट सीरीज़ होती हैं, तो यहाँ पे अम्ब्री 57 सीरीज़ का यूज़ करा है अम्ब्रेड बनाने में। नेक्स्ट है अम्ब्रिज। अम्ब्रिज में अम्बरी है, और रिच से याद रखना है रिचा रेड। तो रिच रेड वैरायटी है एप्पल की, इसको क्रॉस करा है अम्ब्री 15 के संग, तो अम्ब्रिज बना है। अम्ब्रिज भी एक वैरायटी है जो कि स्कैब टॉलरेंट है। अभी पीछे हमने डिस्कस करा था स्कैब रेजिस्टेंट, लेकिन दिस इज द स्कैब टॉलरेंट। अम्ब्रिज एक फेमस स्कैब टॉलरेंट वैरायटी एप्पल की। नेक्स्ट इज अम्ब्रॉयल। अम्ब्रॉयल में अगेन अम्ब से याद रखना है अम्बरी, यहाँ पे अम्बरी 84 यूज़ हुआ है, और यहाँ पे स्टार्किंग डेलीशियस को यूज़ करके क्रॉस डेवलप करा है। एंड द लास्ट वन इज अम स्टार्किंग। अम स्टार्किंग में स्टार्किंग डिलीशियस को क्रॉस करा है अम्बरी 81। सो दीज आर समवट सिमिलर, लास्ट की जो दो क्रॉस है थोड़े सिमिलर हैं, स्टार्किंग डिलीशियस से करा के वराइटी यहाँ पर डेवलप्ड हुई हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वैराइटीज़ आर, तो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड वैराइटीज़ हैं। अभी हमने डिस्कस करा था कि दो तरह के एप्पल्स होते हैं, डिप्लॉयड एंड ट्रिप्लॉयड, बट जनरली एप्पल्स होते हैं डिप्लॉयड ही होते हैं, ट्रिप्लॉयड बहुत ही कम होते हैं। कुछ ही स्पीशीज़, आई मीन कुछ ही वैराइटीज़ होती हैं ट्रिप्लॉयड में, वो हैं बाल्डविन, मुत्सु, ब्रमलियाज। सो दीज थ्री आर इम्पॉर्टेंट ट्रिप्लॉयड वैराइटीज़ ऑफ एप्पल। नेक्स्ट इज़ द नेचुरल म्यूटेंट। तो नेचुरल म्यूटेंट में एक ही आता है, रेड एल्स्टा। दिस इज़ वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल एल म्यूटेंट है रेड एल्स्टार। सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग, तो जनरली जो एप्पल की प्रोसेसिंग होती है उसके लिए जो यूज होती है वो दो वैरायटी हैं, ट्रॉपिकल ब्यूटी एंड पर्लेंस ब्यूटी। तो अब नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू वुली एफिड। तो हमने वुली एफिड के लिए जो स्पीशीज थी वो भी डिस्कस कर रखी, इसके अलावा एक वैरायटी है, सिर्फ एक ही वैरायटी है, वो है नॉर्दर्न स्पे, ठीक है। नॉर्दर्न स्पे वैरायटी जो है वूली एफिड रेजिस्टेंट है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़, ये कोई वैरायटी नहीं है यहाँ पे, जो है क्या है, थॉमस एंड्रिवनाइट प्रोड्यूस द फर्स्ट एप्पल कल्टीवार ऑफ नोन पेरेंटेज। तो थॉमस एंड्रिवनाइट एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहली बार एप्पल कल्टीवार को क्रॉस कराया था एक नोन पेरेंटेज, यानी पेरेंट्स के संग क्रॉस जो था कराया था। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ द रूट स्टॉक एंड द प्रोपगेशन। एप्पल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक्स हम यूज़ करते हैं जब हम एप्पल को प्रोपगेट करते हैं।
एप्पल के प्रोपोगेशन मेथड्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे पहले तो ये वेजिटेटिवली प्रोपोगेट होता है, यानी एसेक्सुअल मेथड से प्रोपोगेशन इसमें होता है। और इसमें क्या होता है कि जो बर्डिंग और ग्राफ्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो बर्डिंग ग्राफ्टिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रूट स्टॉक का होना, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक रूट स्टॉक लेते हैं, उसके ऊपर साइन को उसके ऊपर लगाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बर्डिंग और ग्राफ्टिंग हो पाती है। बर्डिंग की सबसे पहले हम बात करते हैं क्राफ्टिंग। तो क्राफ्टिंग में हम टंग ग्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, टंग ग्राफ्टिंग को विप ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है, यू ऑल नो, ठीक है। टंग ग्राफ्टिंग विप ग्राफ्टिंग आर सेम थिंग, इनके नेम्स अलग अलग होते हैं बट सेम होते हैं, ये इसी को ही टंग ग्राफ्टिंग को ही विप ग्राफ्टिंग कहा जाता है। तो ग्राफ्टिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टंग ग्राफ्टिंग। बडिंग की बात करें तो बडिंग में टी बडिंग, जिसको शील्ड बडिंग बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा फॉलो होती है एप्पल में। तो एप्पल में दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्टिंग बडिंग। ग्राफ्टिंग में भी कौन सी वाली ग्राफ्टिंग है, टंग ग्राफ्टिंग और विप ग्राफ्टिंग, और बडिंग में कौन सी वाली बडिंग होती है, टी बडिंग। तो यूजली यहाँ पे ये मेथड ही फॉलो होता है। अब टंग ग्राफ्टिंग की बात करें तो टंग ग्राफ्टिंग जो ग्राफ्टिंग होता है जनरली कब होती है, एट द एंड ऑफ विंटर, जब विंटर ख़त्म होता है तब हम यहाँ पे टंग ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ग्राफ्टिंग करें या बडिंग करें, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव अ रूट स्टॉक। तो यहाँ पे दो तरह के रूट स्टॉक हम डेवलप कर सकते हैं, सीडलिंग रूट स्टॉक जो हम सीड्स के प्रोपोगेशन से डेवलप करते हैं। सीडलिंग रूट स्टॉक की खासियत क्या होती है, बहुत ज़्यादा विग्रस होते हैं एंड द दे आर नॉट यूनिफॉर्म इन साइज। तो सीड्स अगर जब भी हम कुछ डेवलप करते हैं तो वो विग्रस ही होगा और उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, साइज़ में यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, ईल्ड में यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, और जो उसकी मैच्योरिटी होती है तब भी यूनिफॉर्म टाइम पे नहीं होगी। तो सीडलिंग रूट स्टॉक में ये प्रॉब्लम होता है। सेल्फ पोलिनाइजिंग वराइटीज़ जो होती हैं जनरली, जैसे गोल्डन डिलीशियस, ग्रैनी स्मिथ, ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट सेल्फ पोलिनाइजिंग वराइटीज़ हैं एप्पल की, जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर रेजिंग सीडलिंग रूट स्टॉक्स। यानी हम गोल्डन डिलीशियस और ग्रैनी स्मिथ के सीड्स को लेते हैं, इसको हम सॉइल में लगा देते हैं, सॉइल में इनको अच्छे से प्रोपोगेट कर देते हैं सीड्स से, और फिर से जब प्लांट निकलता है दैट इज़ अ सीडलिंग रूट स्टॉक, तो वो होता है सीडलिंग रूट स्टॉक। तो इस तरह से हम सीडलिंग रूट स्टॉक तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ पे सीड्स में एक ट्रीटमेंट भी हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट लेयर्स में मॉइस्ट सॉइल को अरेंज करते हैं और उनके बीच में हम सीड्स को प्लेस कर देते हैं, और एक ठंडा टेम्परेचर, कूल टेम्परेचर सेट कर देते हैं 4 to 7 degrees centigrade का। तो इतना ठंडा टेम्परेचर हम सेट कर देते हैं, और इस तरह से हम 60 to 90 days तक उस सीड्स को स्ट्रैटिफिकेशन ट्रीटमेंट के लिए रख देते हैं। तो जब सीड स्ट्रैटिफिकेशन 60 to 90 days के बाद कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या होता है कि सीड्स जो होते हैं वो रेडी होते हैं प्रोपेगेशन के लिए। तो सीड्स के थ्रू हम सेक्सुअल प्रोपेगेशन करके सीडलिंग रूट स्टॉक रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो ये था कि टी बडिंग और ग्राफ्टिंग से रिलेटेड, कि जो टी बडिंग होती है वो कैसे होती है। जो टी बडिंग में हम क्या करते हैं, टंग ग्राफ्टिंग और वेब ग्राफ्टिंग जो होती है इस तरह से होती है। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसा कट लगाते हैं, साइन लेते हैं, ये अपर पोर्शन जो साइन होते हैं, लोअर पोर्शन रूट स्टॉक होता है। और साइन में हम क्या करते हैं, जैसे कट हम साइन में लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम रूट स्टॉक में भी वैसी शेप का कट लगाएंगे, ताकि दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाएं। उसके बाद क्या होता है, जब साइन और रूट स्टॉक आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, वहाँ पे कैम्बियम फॉर्मेशन होता है। कैम्बियम फॉर्मेशन के बाद वो दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, और इसको हम अटैच करते वक्त इस शेप है इस तरह से कट लगा देंगे, विप शेप का कट लगा के साइन और रूट स्टॉक को अच्छे से रैप कर देंगे। और जब ये रैप जब ये यूनियन अच्छे से फॉर्म हो जाएगा, फिर हम वो हम रैपिंग टेप हटा देंगे। एंड नाउ वी डिस्कस अदर टाइप ऑफ रूट स्टॉक। पहले हमने सीड से रूट स्टॉक डेवलप करे, अब हम पढ़ेंगे क्लोनल रूट स्टॉक। क्लोनल रूट स्टॉक में हम वेजिटेटिव मेथड यूज़ करते हैं। तो क्लोनल रूट स्टॉक की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, दे आर प्रिकॉशियस, यूनिफॉर्म एंड रेजिस्टेंट टू सम ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड डिसीज़। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि प्रिकॉशियस और यूनिफॉर्म होते हैं, यानी इनका ईल्ड और इनकी मेच्योरिटी, टाइम, फ्रूट साइज, दे ऑल आर यूनिफॉर्म। इन द रिसेंट ईयर साइज कंट्रोलिंग क्लोनल रूट स्टॉक्स आर गेनिंग पॉपुलरिटी। तो जो क्लोनल रूट स्टॉक्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज रिसेंट डेट में हमारे पास ऐसे क्लोनल रूट स्टॉक्स आते हैं जिसमें साइज कंट्रोल होता है, यानी प्लांट का जो साइज़ होता है कि कुछ प्लांट बहुत ज़्यादा विग्रस होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ड्वार्फ होते हैं। तो इस तरह से हम साइज कंट्रोलिंग रूट स्टॉक्स को भी डेवलप कर सकते हैं।
और इन साइज कंट्रोलिंग रूट स्टॉक में जो ड्वार्फ रूट स्टॉक्स होते हैं वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में यूज़ होते हैं। बट जो मेजर प्रॉब्लम होती है क्लोनल रूट स्टॉक में वो होती है रूट सकरिंग, यानी इसमें से सकर्स डेवलप होने की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। तो सकर रिमूव करना भी इसमें एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। इसके अलावा द कॉमन मैथड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ क्लोनल रूट स्टॉक्स, तो क्लोनल रूट स्टॉक्स को हम जब प्रोपगेट करते हैं वो कैसे करते हैं, स्टूलिंग और माउंड लेयरिंग। अब ये स्टूलिंग और माउंड लेयरिंग में क्या होता है, यू कैन सी इन दिस फिगर। तो स्टूलिंग और माउंट लेयरिंग एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रूट स्टॉक होता है ठीक है उसको हम लेते हैं, जब रूट स्टॉक हम लगा लेते हैं उसके बाद हम सॉइल होती है आसपास की नियर बाय जो सॉइल होती है उसको हम सॉइल को इस तरह से कवर कर देते हैं, टॉप आई मीन जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं वहाँ पर हम सॉइल से इस तरह से कवर कर देते हैं, अगेन वहाँ से फिर रूट्स डेवलप होनी स्टार्ट होती हैं। तो इस तरह से माउंड लेयरिंग और स्टूल लेयरिंग जो होती होती है, यानी सिंपल से मिट्टी को चढ़ा देते हैं, मिट्टी से पूरा एरिया प्लांट का कवर कर देते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द माउंट लेयरिंग इन द क्लोनल रूट स्टॉक। तो ये होती है माउंट लेयरिंग और स्टूलिंग। इसके अलावा जो प्रॉमिसिंग क्लोनल रूट स्टॉक होते हैं एप्पल के, वो है सबसे इम्पोर्टेंट है M793 जो है विग्रस रूट स्टॉक है, बहुत ज़्यादा विग्रस होता है इसका साइज। और ये जो M793 है दिस इज रेजिस्टेंस टू वूली एफिड कॉलर रॉट एंड इट हैज़ अर्ली फ्रूटिंग हैबिट। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है M27, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क्ड इंपॉर्टेंट। इससे क्या क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले तो आते हैं कि M27 कैसा रूट स्टॉक है, इट इज़ अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक, यानी बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम इसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग में यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका क्रॉस क्या है, तो इसका क्रॉस है M13 क्रॉस विद M9। तो M13 को जब M9 से क्रॉस कराते हैं तो बनता क्या है, M27 रूट स्टॉक बनता है, और M27 जो है अल्ट्रा ड्वार्फ है। इसके बाद आता है M9, ये जो है ड्वार्फ है। M27 अल्ट्रा ड्वार्फ होता है, M9 ड्वार्फ होता है, ड्वार्फ होने की वजह से ये भी हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हमने विग्रस डिस्कस करा, अल्ट्रा ड्वार्फ, ड्वार्फ, अब आता है सेमी ड्वार्फ। सेमी ड्वार्फ की कैटेगरीज में हमारे पास चार आते हैं, M7, M4, M106, M24। तो ये सब सेमी ड्वार्फ हैं, सेमी ड्वार्फ में अगेन हाई डेंसिटी प्लांटिंग में यूज़ कर सकते हैं, और ये सबके सब में वूली एफिड जो है रेजिस्टेंट होता है, वूली रेजिस्टेंस टू वूली एफिड। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेमी विग्रस। सेमी विग्रस में दो आते हैं, MM111, MM104। जो डबल एम वाले रूट स्टॉक्स होते हैं वो सेमी विग्रस में आते हैं। और ये जो दोनों रूट स्टॉक्स हैं, इट हैज़ अ ड्राउट टॉलरेंट एंड रेजिस्टेंस टू वूली एफिड। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्लोनल रूट स्टॉक एप्पल के। इसके अलावा जो ये एम सीरीज़ वाले रूट स्टॉक्स होते हैं, एम का मतलब होता है मैलिंग, मैलिंग सीरीज़ जो रूट स्टॉक्स होते हैं, दे आर साइज कंट्रोलिंग बट नॉट रेजिस्टेंस टू वूली एफिड। तो ये खास बात होती है, इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है एक तरह से, कि जो मैलिंग सीरीज़ के रूट स्टॉक्स हैं वो साइज कंट्रोलिंग हैं बट उनमें वूली एफिड का रेजिस्टेंट नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डबल एम। डबल एम का मतलब है मैलिंग मर्टन, एम का मतलब होता है मैलिंग, और जब डबल एम होगा मैलिंग मर्टन। तो मैलिंग मर्टन सीरीज़ के जो रूट स्टॉक्स होते हैं दे हैव साइज कंट्रोलिंग, उनमें साइज कंट्रोलिंग भी होता है प्लस रेजिस्टेंस टू वूली एफिड, उनमें वूली एफिड रेजिस्टेंस भी होता है। यानी यहाँ पे दो करेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, साइज कंट्रोलिंग का और वूली एफिड रेजिस्टेंट का। तो मैलिंग रूट स्टॉक जिसमें सिर्फ एक ही एम आ रहा है उसमें एक ही करेक्टर पाया जाएगा, साइज कंट्रोल वाला करेक्टर पाया जाता है, लेकिन वूली एफिड रेजिस्टेंस उसमें नहीं होता। जिसमें दो एम आ रहे हैं मैलिंग मर्टन, उसमें दो बार एम आ रहा है और उसमें दोनों करेक्टर्स पाए जाते हैं, यानी वो साइज को भी कंट्रोल करेगा और रेजिस्टेंस टू वूली एफिड भी है, इसमें दोनों करेक्टर्स पाए जाते हैं। डबल एम सीरीज आर रिलीज फ्रॉम जॉन इन्स इंस्टीट्यूट इंग्लैंड, ठीक है। ये EMLA का मतलब क्या होता है, यहाँ पे EMLA रूट स्टॉक्स भी जो होते हैं वो वायरस फ्री होते हैं, मीन्स दे आर रेजिस्टेंस टू वायरस। EMLA का फुल फॉर्म होता है ईस्ट मैलिन लॉन्ग एंड स्टर्न। तो जो EMLA सीरीज रूट स्टॉक होते हैं वायरस फ्री होते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ द प्लांटिंग। तो एप्पल की जो प्लांटिंग होती है उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि पोलिनाइजिंग ट्रीज कितने होते हैं। तो इन इंडिया रिकमेंडेड पोलिनाइजिंग ट्रीज जो होते हैं वो 11-30% होता है। यूजली वन पोलिनेटेड ट्री इज नीडेड फॉर 2-3 लार्ज ट्रीज प्लांटेड एट 10 meter डिस्टेंस, और वन रो पोलिनेटर फॉर 2 रोज ऑफ मेन कल्टीवर्स।
यानी यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम एप्पल की प्लांटिंग करते हैं तो एक पॉलिनेटर ट्री को हम प्लांट करेंगे फॉर 2 to 3 लार्ज ट्रीज प्लांटेड है 10 मीटर अपार्ट, 10 मीटर डिस्टेंस पर अगर हमने प्लांट कर रखा है तो वहाँ पे एक पॉलिनेटर ट्री होना चाहिए एप्पल का। फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग द पॉलिनेटर ट्री इज प्लांटेड एवरी आफ्टर एवरी 6th ट्री इन अ रो। हाई डेंसिटी प्लांटिंग में हर जो 6th रो का प्लांट है वो एक पॉलिनेटर ट्री की तरह होना चाहिए। एप्पल की जो प्लांटिंग होती है वो विंटर सीजन का क्रॉप है, टेम्परेट रीजन का क्रॉप है, तो उसका टाइमिंग भी विंटर वाला होता है यानी जनवरी फेब का टाइमिंग होता है प्लांटिंग का। और यहाँ पे जो कॉमन सिस्टम होता है दैट इज स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम के अलावा यहाँ पे जो अगर हिली एरियाज होते हैं, बेसिकली एप्पल एक हिली एरिया का क्रॉप है, तो हिली एरियाज में कंट्रोल सिस्टम बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। कंट्रोल सिस्टम इसलिए फॉलो होता है क्योंकि हिली एरियाज हैं और प्लस वहाँ पे सॉइल इरोजन और विंड सॉइल का इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कंट्रोल सिस्टम जो होता है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है और वाटर के रन ऑफ को भी रिड्यूस करता है। इसके अलावा एक मेथड होता है सुपर हाई डेंसिटी। सुपर हाई डेंसिटी यानी बहुत ज़्यादा स्पेसिंग यहाँ पे कम होती है, इसको मिडो ऑर्चिड मिडो सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है 20,000 to 70,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर को हम प्लांट कर सकते हैं, पर ये मेथड इंडिया में यूज़ नहीं होता, इट इज़ वेरी पॉपुलर इन यूरोपियन कंट्रीज़। इसके बाद एप्पल कुछ हम प्लांट करते हैं तो वहाँ पे हम 60 सेंटीमीटर का एक पिट डग करते हैं बिफोर प्लांटिंग। उस पिट में हम सारा जो भी मटेरियल होता है न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स वाला FYM NPK ये सारी जो डोज होती हैं ये हम उसमें डाल देते हैं। उसके बाद हम प्लांटिंग इसकी कर देते हैं जनवरी फेब के टाइम। इसके बाद जो दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं वो होता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। प्लांटिंग के दौरान हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ध्यान रखना होता है, जिसमें हम FYM 10 kg पर ईयर अप्लाई कर देते हैं, 10 kg पर हेक्टेयर सॉरी अप्लाई करते हैं अलॉन्ग विद अदर फर्टिलाइजर्स। अदर फर्टिलाइजर्स जो हमारे पास होते हैं उसमें NPK बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द फर्टिलाइजर डोज डिपेंड्स ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अप्लाई टू द क्रॉप। यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है वो अप्लाई करते हैं 350 ग्राम, फॉस्फोरस अप्लाई करते हैं 175 ग्राम, और पोटेशियम अप्लाई करते हैं 350 ग्राम। यानी नाइट्रोजन और पोटेशियम नाइट्रोजन ऑफ पोटेशियम रिक्वायरमेंट सेम होती है 350, फॉस्फोरस रिक्वायरमेंट कम होती है। और ये अप्लाई करते हैं पर प्लांट पर ईयर इन स्प्लिट डोज रिकमेंडेड फॉर फुली ग्रोन बेरिंग ट्री। तो हम इनको स्प्लिट डोज में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज द स्पेसिंग। तो स्पेसिंग जो होती है वो डिपेंड करती है वराइटीज़ में। जो विगरस वराइटीज़ होती हैं जैसे विगरस रूट स्टॉक्स अगर हम यूज़ करें तो स्पेसिंग ज़्यादा होगी ऑब्वियसली 7.5 to 7.5 मीटर। सेमी वीरस में थोड़ी कम हो जाएगी 5x6x5x6। ड्वार्फ वराइटीज़ में स्पेसिंग और रिड्यूस जाती है 1.3 to 5 रो टू रो, और प्लांट टू प्लांट भी इतना ही होगा क्योंकि स्क्वायर सिस्टम में क्या होता है कि रो टू रो और प्लांट टू प्लांट सेम होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर सिस्टम की स्पेसिंग है ये। फिर सेमी ड्वार्फ वराइटीज़ में स्पेसिंग और रिड्यूस हो जाती है 3.5 to 4.5, और रो टू रो प्लांट टू प्लांट सेम होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पेसिंग इन द एप्पल अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वराइटी। तो वराइटी के साइज़ के अकॉर्डिंग इस तरह की स्पेसिंग मेंटेन होती है। नेक्स्ट इज अबाउट द सम स्पेशल प्रैक्टिसेस लाइक रिंगिंग एंड स्कोरिंग। सो दीज आर टू स्पेशल एक्टिविटीज़। फर्स्ट इज रिंगिंग। रिंगिंग का मतलब क्या होता है? रिंगिंग में व्हाट वी डू इन रिंगिंग, द रिमूवल ऑफ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ अ बार्क अराउंड द ट्रंक और ब्रांच। तो जब हम ट्री से एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप में बार्क को जो ट्रंक होता है, ठीक है ट्रंक ये होता है, ट्रंक से जब हम एक बार्क को रिमूव कर देते हैं रिंग फॉर्म में, दैट इज़ जनरली हैपन्स इन द फ्रूटिंग ट्रीज़। तो फ्रूट ट्रीज़ में ही रिंगिंग प्रैक्टिस होती है। ऐसा करने से क्या होता है, हम जो प्लांट का साइज़ होता है, फ्रूटिंग हैबिट होती है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी प्लांट का विग्रस होता है और उसको कंट्रोल कर सकते हैं एंड ऑल्सो इंक्रीज द फ्रूटिंग। इसके अलावा स्कोरिंग में भी सेम प्रैक्टिस होती है। इसमें भी क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सिंगल कट, यहाँ पे जस्ट हम एक सिंगल कट लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। एक स्पेशल टाइप के नाइफ्स आते हैं लाइक दिस वे, तो उससे हम बस हम एक सिंगल कट लगा देते हैं एज यू शो इन दिस फिगर। एक सिंगल कट लगा हुआ है विद द हेल्प ऑफ नाइफ कम्प्लीटली अराउंड द ट्रंक। तो इस तरह से हम कर देते हैं, उसको बोलते हैं स्कोरिंग। सम वे बिटवीन द सॉइल एंड द लोएस्ट स्कैफोल्ड ब्रांचेस, ये हम जनरली लोएस्ट पोर्शन में करते हैं, जो सॉइल और स्कैफोल्ड ब्रांचेस का बीच वाला पोर्शन होता है वहाँ पे एक कट लगाते हैं, दैट इज स्कोरिंग। नेक्स्ट इज द इरीगेशन। तो
एप्पल में इरिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो क्रिटिकल पीरियड होता है वो होता है अप्रैल अगस्त का, जब जब फ्रूट से फ्लावरिंग का स्टेज होता है, दैट इज़ वो टाइम जो होता है अप्रैल अगस्त का, वो बहुत ही क्रिटिकल होता है। एंड द पीक रिक्वायरमेंट इज़ एट आफ्टर फ्रूट सेट, फ्रूट सेट के बाद भी इरिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यानी यहाँ पे एप्पल में दो क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, एक होती है अप्रैल अगस्त की और एक होती है आफ्टर फ्रूट सेट। नॉर्मली द ऑर्चर्ड्स आर इरीगेटेड इमीडिएटली आफ्टर मैन्योरिंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी। तो हम जब भी मैन्योर अप्लाई कर देते हैं उसके बाद इरीगेशन अप्लाई करते हैं, जनरली ये टाइम होता है दिसंबर जनवरी का। ड्यूरिंग द समर पीरियड द क्रॉप्स इरीगेटेड एट 7 to 10 days इंटरवल, समर में क्रॉप इंटरवल ये होता है। उसके बाद आफ्टर द फ्रूट सेटिंग स्टेज द क्रॉप इज इरीगेटेड वीकली इंटरवल, लेकिन एक बार फ्रूट सेट हो जाता है उसके बाद हमें वीकली इंटरवल्स में इरीगेशन देना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिटिकल स्टेज है वो है आफ्टर फ्रूट सेट। तो आफ्टर फ्रूट सेट होने के बाद वीकली इंटरवल्स में इरीगेशन अप्लाई होता है। एप्लीकेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोर्टनाइट प्रोसीडिंग हार्वेस्ट मार्कली इम्प्रूव द फ्रूट कलर, हार्वेस्टिंग से कुछ टाइम पहले अगर हम इरीगेशन अप्लाई कर देते हैं तो उससे फ्रूट कलर और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते हैं। तो इरीगेशन में ध्यान रखना है कि दो स्टेजेस होती हैं, एक तो अप्रैल अगस्त जब फ्लावरिंग फूल से फ्रूट बनने की जो प्रोसेस होता है फ्लावर टू फ्रूट अप्रैल अगस्त वो, और आफ्टर फ्रूट सेट, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पीरियड इन पीरियड फॉर वाटर रिक्वायरमेंट इन एप्पल। नेक्स्ट इज द प्रूनिंग, प्रूनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट द फ्रूटिंग हैबिट। प्रूनिंग में क्या होता है कि प्रूनिंग इज डन विद अ व्यू टू डाइवर्ट द सैप फ्लो टूवर्ड्स द फ्रूटिंग ब्रांचेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें डाइवर्ट करना होता है सैप फ्लो को फ्रूटिंग ब्रांचेस से, एंड टू फोर्स द प्लांट्स टू बी अ मोर फ्रूट्स एंड टू इंड्यूस विगरस वेजिटेटिव ग्रोथ। सो इसलिए हम प्रूनिंग करते हैं। ड्यूरिंग प्रूनिंग वीक ग्रोइंग डिसीज ब्रांचेज आर रिमूव फ्रॉम द ट्रीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रूनिंग हम क्या करते हैं, जो डिसीज क्रिस क्रॉस वाली ब्रांचेज होती हैं उनको रिमूव करना होता है। यूजली द ट्रीज आर प्रूनड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रूनिंग कब करते हैं, दिसंबर जनवरी वाला जो टाइम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एप्पल एक कैसा प्लांट है, एप्पल एक डेसीडियस प्लांट है। डेसीडियस का मतलब होता है कि विंटर टाइम में इसकी लीव्स जो होती हैं फॉल हो जाती हैं, तो दिसंबर टाइम्स में इसमें लीव्स जब प्रेजेंट नहीं होती तो इट इज़ ईजी फॉर अस टू प्रून द प्लांट। तो क्योंकि सिर्फ स्टेम ही होती हैं, लीव्स तो होती नहीं है, तो यहाँ पर कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती प्रूनिंग करने में, क्योंकि दिसंबर जनवरी में प्लांट्स की लीव्स प्रेजेंट नहीं होगी, और एंड इज अ वेरी ईजी एंड बेस्ट टाइम फॉर द प्रूनिंग। द नेक्स्ट थिंग इज द हार्वेस्टिंग। तो एप्पल एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट से, तो उसमें जनरली हम पूरा ट्री में अगर राइपनिंग नहीं भी हो पाती है तो दैट इज़ ओके, क्योंकि क्लाइमेट्रिक है। नॉर्मली एप्पल्स आर रेडी फॉर हार्वेस्ट फ्रॉम सेप्टेम्बर अक्टूबर एक्सेप्ट इन नीलगिरी। वैसे सेप्टेम्बर अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, बट जो नीलगिरी वाला एरिया होता है, अभी हमने डिस्कस करते हैं कि एप्पल को हम कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं, तो साउथ में जो तमिलनाडु की नीलगिरी हिल्स है वहाँ पे भी हम एप्पल को ग्रो करते हैं, वहाँ पे जो इसका सीज़न है वो है अप्रैल जुलाई। तो जनरली एप्पल को हार्वेस्ट करते हैं सितंबर अक्टूबर में, बट नॉर्थ इंडिया में जो नीलगिरी वाला रीजन है वहाँ पे हम अप्रैल जुलाई में हार्वेस्ट करते हैं। द फ्रूट्स मैच्योर विद इन 130 to 150 days आफ्टर द ब्लूम फुल ब्लूम स्टेज। फुल ब्लूम स्टेज से लेकर पूरा मैच्योर तक का इतना समय इसमें लगता है, 130 to 150 days लग जाते हैं, बट डिपेंड करते हैं कि वैरायटी कैसी है। द मैच्योरिटी इंडिकेट्स, इसमें मैच्योरिटी जो इंडिकेट्स होते हैं वो होते हैं डे फ्रॉम फुल ब्लूम टू हार्वेस्ट। तो फुल ब्लूम से हार्वेस्ट तक का जो डेज होता है वो कितना होता है, जैसे 130 to 150 हो जाता है। चेंज इन कलर, फ्रूट कलर का, आई मीन फ्रूट का जो कलर होता है स्किन कलर, वो चेंज होना, ठीक है, ग्रीन से थोड़ा येल्लो रेड की तरफ आएगा तो उसका मतलब मैच्योर हो रहा है। पीएसएस ऑफ द फ्रूट पल इम्पॉर्टेंट होता है। ईज ऑफ सेपरेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम द स्पर, चेंज ऑफ सीड कलर टू लाइट ब्राउन एंड फ्रूट फर्मनेस आर यूजली यूज सिंगली और इन कॉम्बिनेशन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैच्योरिटी इंडिकेट्स होते हैं, फुल ब्लूम में कितना टाइम लग रहा है, कलर डेवलपमेंट और TSS और ईजी सेपरेशन फ्रॉम द फ्रूट फ्रॉम द स्पर। तो प्लांट जो होता है उसमें स्पर होते हैं, स्पर से जब फ्रूट्स अपना आप ईजी तरीके से सेपरेट हो जाएगा, दैट इज़ द मेच्योरिटी इंडिकेट्स फॉर द एप्पल। इसके अलावा जो हार्वेस्टिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हम हार्वेस्टिंग करते कैसे हैं, द एंटायर फ्रूट डज नॉट अटेन फुल कलर एंड मेच्योर ऑन द ट्री एट द वन टाइम।
तो ये इम्पॉर्टेंट है कि एक टाइम में ही पूरा का पूरा प्लांट के फ्रूट्स मच्योर नहीं होते, फ्रूट शुड बी पेक 2 to 3 पेकिंग्स। तो हमें 2 से 3 बार उसमें फ्रूट की पेकिंग करनी होती है हैंड से। हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रूजिंग और स्टैम पंक्चर शुड बी अवॉइडेड एंड पेडिसल मस्ट रिटेन विद फ्रूट्स। सो द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर दैट इज़ कि जो फ्रूट की हार्वेस्टिंग होती है उसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि ब्रूजिंग और स्टैम पंक्चर्स नहीं होना चाहिए। ब्रूजिंग का मतलब होता है कि किसी भी तरह से ऐसे हार्वेस्टिंग ना करें कि उसमें किसी तरह का स्पॉट डेवलप हो जाए, या फिर उसमें आई मीन हार्वेस्टिंग के दौरान उसको अगर प्रॉपर हैंडल नहीं करेंगे तो हम उसमें ब्रूजिंग हो सकती है, और स्टैम पंक्चर नहीं करना है। ठीक है, स्टैम जो होना चाहिए इट शुड बी रिटेन विद फ्रूट्स। तो जब हम फ्रूट की हार्वेस्टिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसा अगर एप्पल है तो उसके साथ उसका स्टैम भी होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, क्योंकि अगर स्टैम उसमें से अलग कर देंगे तो उसमें जो पोर्शन होगा उतना पोर्शन ओपन हो जाएगा, वहाँ पे डिसीज इन्फेस्ट्रेशन का चांसेस बढ़ जाएगा। फ्रूट्स ऑफ एप्पल्स आर ग्रास्प्ड बिटवीन फिंगर इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर एंड थम एंड क्विक ट्विस्ट फॉर अ वेस्ट विल ईजिली प्लग द फ्रूट अलॉन्ग विद द पेडिसल। तो ये तो जनरली प्रोसीजर बताया गया कि कैसे फिंगर्स और थम्स को ट्विस्ट करके उसको हटाना है, एप्पल को हार्वेस्ट करना है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे इसका जो स्टैम है वो रिटेन रहना चाहिए, पेडिसल रिटेन रहना चाहिए। पिक्ड फ्रूट्स आर प्लेस सॉफ्टली इन द पिकिंग बैग और बास्केट एंड ट्रांसपोर्टेड टू पैकिंग हाउस फॉर ग्रेडिंग एंड पैकिंग। तो उसके बाद एप्पल्स को हार्वेस्ट कर लिया हमने, उसके बाद उसको पैकिंग और ग्रेडिंग के लिए भेज देते हैं। तो अब उसकी आती है ईल्ड निकल गई। ईल्ड हम जो निकालते हैं उसके बाद देखते हैं कि एप्पल में ये जो ईल्ड आती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो कि एप्पल ट्री स्टार्ट बेयरिंग फ्रॉम द फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स। एप्पल की बेयरिंग फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाती है, और डिपेंड करते कि कैसी वैरायटी और सीजन है, किस तरह से मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो एवरेज ईल्ड जो निकल कर आती है एप्पल में वो आती है 10 to 20 kg पर ट्री पर ईयर। सो दिस इज द एवरेज ईल्ड ऑफ एप्पल फ्रॉम अ एप्पल प्लांट। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स, तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं हार्वेस्टिंग के बाद एप्पल का क्या होता है, प्री कूलिंग होती है। प्री कूलिंग क्या होता है, प्री कूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट बिफोर पैकिंग एंड फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द एप्पल। जब हम एप्पल को हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ हीट होती है, ठीक है, तो उस हीट को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है बिफोर पैकिंग एंड फॉर द प्रोसेसिंग। अगर हम एप्पल का कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी उसको पैक कर रहे हैं, पैक भी कर रहे हैं, तो उसकी हीट रिमूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ क्या होगा, हीट रिमूव नहीं होगी, हम ऐसे उसको पैक कर देंगे तो उसमें चांसेस है कि उसका जो फूड क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो जाए। तो इसलिए प्री कूलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री कूलिंग का सिंपल मतलब होता है रिमूव द हीट। नेक्स्ट थिंग इज अ ग्रेडिंग। ग्रेडिंग ऑफ एप्पल कैन बी डन इन 3 वेज, नेमली फ्रूट साइज, फ्रूट अपीयरेंस एंड क्वालिटी। तो तीन तरीके से, तीन चीज़ों के बेसिस पे हम फ्रूट की ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग में हम सिंपली क्या करते हैं, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ एप्पल्स ग्रेडेड मैनुअली इन 6 ग्रेड। तो साइज़ के हिसाब से 6 ग्रेड्स होते हैं एप्पल के, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट कलर, साइज, शेप एंड क्वालिटी एप्पल आर ग्रेडेड इन 3 or more क्वालिटी ग्रेड। तो फ्रूट के कलर, शेप और क्वालिटी के अकॉर्डिंग 3 या 3 से ज़्यादा ग्रेड बने हैं। बट नॉर्मली एप्पल के जो ग्रेड्स हैं वो हैं ये AAA, AA, A, B and C। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट ग्रेड्स ऑफ एप्पल, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दीज ग्रेड सिस्टम ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज पैकेजिंग। देर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ पैकिंग एप्पल। इन इंडिया इट्सेल्फ एप्पल्स आर पैक्ड इन अ वुडन बॉक्स। तो इंडिया में तो वुडन बॉक्स होते हैं, वहाँ पे उसमें हम एप्पल्स को इजिली पैक कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है का टेम्परेचर। जो एप्पल का स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो होता है -1.120 degrees centigrade। तो इतने ठंडे टेम्परेचर पे ही, ठीक है, एप्पल में जो सब कुछ हो रहा है सब कुछ ठंडा होता है। टेम्परेट फ्रूट है, चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है इसकी, और स्टोरेज टेम्परेचर भी बहुत ठंडा होता है। जनरली एप्पल में हम क्या करते हैं, एप्पल का 12 to 13 degrees centigrade टेम्परेचर होता है, लेकिन जो मैंगो में हमने देखा था, मैंगो में 12-13 होता है, बनाना में 13 होता है, लेकिन जो एप्पल होता है उसमें बहुत ही ठंडा टेम्परेचर होता है, यानी -1.1 to 0 degrees centigrade टेम्परेचर होता है। ये इतने टेम्परेचर पर हम कब तक रख सकते हैं, 4 to 8 months आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी एप्पल को हार्वेस्ट करने के बाद हम 4 से 8 महीने तक इस टेम्परेचर पर स्टोर अच्छे से कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एप्पल कल्टिवेशन।